जय हिंद दोस्तों, समाधान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है पिगमेंटेशन। ज़्यादातर औरतों में देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद उनको पिगमेंटेशन यानी झाइयों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आज हम पता लगाने वाले हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे यूट्यूब चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें ताकि जल्दी उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। लेकिन इस समस्या का समाधान निकालने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये समस्या होती क्यों है। पिगमेंटेशन यानी कि हमारे चेहरे पे कुछ कुछ जगह डार्क होने लगती है और कुछ नॉर्मल रहती है। इसका मेन कारण होता है हमारे चेहरे पर मेलानिन का एक्सेस मात्रा में मौजूद होना। दोस्तों, मेलानिन कोई हानिकारक चीज़ नहीं होती, ये एक पिगमेंट होता है जो हमारे बालों पर, हमारी स्किन पर, हमारी आँखों पर हर जगह मौजूद होता है और ये कोई ख़राब नहीं होता। ये हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है, तो कहीं ना कहीं हमें इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन कभी कभार ये हमारी त्वचा पे या हमारी स्किन पे ज़्यादा मात्रा में मौजूद होने की वजह से हमारी स्किन काली यानी डार्क दिखनी शुरू हो जाती है। तो इस मेलानिन को सही करने के लिए एक बहुत ही आसान सा नुस्खा है, आप उसको ट्राई कीजिए और आपको कुछ ही समय में झाइयाँ या फिर पिगमेंटेशन से राहत मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, किसी भी जूस वाले पे जाके बोलना है कि आपको संतरे का रस पीना है यानी ऑरेंज जूस पीना है। वो आपको एक ग्लास ऑरेंज जूस देगा जो आपको पीना है। साथ ही साथ आपको उसको बोलना है कि उस संतरे के छिलके को वो फेंके ना, वो आपको ही दे दे। अब उस संतरे के छिलके को आपको अपने चेहरे पे लगाना है और कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगे रहने देना है। अब उस संतरे के छिलके को आपको अपने चेहरे पे लगाना है। याद रखना, छिलका थोड़ा गीला ज़रूर होना चाहिए, छिलका पूरी तरीके से सूखा हुआ ना हो, उसमें थोड़ी सी नमी ही ज़रूर हो। हल्के हाथ से उस पर मसाज करें। हफ्ते में 3 बार ऐसे करने से आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि संतरा आपके मेलानिन को कम करता है। और याद रखें, रात को सोने से पहले आप बादाम तेल की कुछ बूंदें अपने चेहरे पे लगाएं, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ई होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल पे अगर आपको और कोई समस्या का समाधान चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उस समस्या के बारे में लिख सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपको उसका समाधान दे सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद।